हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का शौकीन फैमिली में। और आज मैं बनाऊंगी मटर पुलाव। मटर पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए बासमती राइस, जिन्हें मैंने 10 से 15 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। 2 प्याज जिन्हें मैंने लंबा स्लाइस में काट लिया है। 1 हरी मिर्च जिसे मैंने बीच में से कट किया है बस। मटर दाने, 1 से 2 चम्मच नींबू का रस, हींग तड़के के लिए, तेज पत्ता, जीरा, स्वाद के अनुसार नमक और देसी घी। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल या सरसों के तेल का भी तड़का लगा सकते हैं, पर देसी घी में इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। और जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो अब हम गैस पर कुकर रखेंगे और गर्म होने के बाद हम उसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। घी अच्छे से गर्म हो गया, अब हम इसमें डाल देंगे तेज पत्ता, जीरा, तेजपत्ता और जीरा अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हमें ट्रांसपेरेंट होने तक ही फ्राई करना है। प्याज अब हमारी ट्रांसपेरेंट हो गई है, तो अब हम इसमें डालेंगे हींग। हींग शुरू में डालते हैं, पर तब मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि घी जो है वो ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने हींग नहीं डाली। तो अब मैं हींग डाल रही हूँ। आप चाहे तो जीरा डालते वक्त भी हींग डाल सकते हैं। और हमें बस 30 से 40 सेकंड के लिए हमें इसे फ्राई करना है। और अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद इसमें हम डालेंगे हरे मटर और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मटर अब हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और अच्छे से मिला देंगे। तो हम 5 से 10 सेकंड के लिए इसे ढककर पकाएंगे और मसाला हमारा तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे भिगोए हुए चावल जिनका पानी हमने निकाल दिया है, और हल्के हाथ से एक बार चावल को मिला देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस डालने से चावल जो है वो काफ़ी खिले खिले बनते हैं। इसी गिलास से मेजर करके मैंने 1 गिलास चावल लिए थे, तो मैं इसमें 1/4 गिलास पानी डाल रही हूँ। 1 गिलास चावल के लिए 1/4 गिलास पानी डाला है। तो अब कुकर का ढक्कन लगा दें और हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने तक मटर पुलाव को पकाना है। तो 1 सीटी हमारी आ गई है, और अब गैस को बंद कर दे और प्रेशर कुकर का प्रेशर निकलने तक आराम करने दे। तो अब कुकर का ढक्कन खोलेंगे और देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारे मटर पुलाव कितने खिले खिले बने हैं। ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और काफ़ी सिंपल बनाए हैं हमने मटर पुलाव। तो अब हम इन्हें 1 प्लेट में निकाल लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो 10 से 12 मिनट में हमारा मटर पुलाव बनकर तैयार है। तो एक बार इस मटर पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।